प्यारे भक्तों नमस्कार। भाद्रपद पूर्णमासी के उपरांत सदी नवरात के पूर्व 15 दिन हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय सनातन द्वारा बताए गए हैं। आइए मैं आपको त्यागंजलि और तर्पण विधि बताता हूँ। मित्रों जय श्री राम। मैं आचार्य अवधेश दास आपको बताने वाला हूँ कि शारदीय नवरात से पहले पितृपक्ष जो लगते हैं उसमें अपने पितरों के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए किस तरह से आप जल तर्पण करेंगे और अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश से हम प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आप कृपा करिए कि हमारा सारा कार्य बिना विघ्न के पूर्ण हो। शुद्धि करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। शुद्धि करने के बाद आप एक शुद्ध बर्तन में शुद्ध जल लेंगे और उस शुद्ध जल में गंगा जल आप डालेंगे। गंगा जल डालेंगे, काले तिल उसमें डालेंगे, जो नियम है श्राद्ध करने का, तर्पण करने का अपने पितरों के लिए। काले तिल, जौ उसमें डाल देना है आपको, चावल डाल देना है, दूध डालेंगे और चंदन, दूध डालेंगे, दूध डालने के बाद चंदन डालेंगे उसमें। और हाँ, ये भी याद रहे कि उसमें थोड़ी चंदन डालने के बाद उसमें थोड़ी सी चीनी आप डालेंगे, चीनी डालेंगे, लौंग डालेंगे और हल्दी, और हल्दी के बाद उसमें थोड़े पुष्प भी डालेंगे। हल्दी और पुष्प जो डालेंगे तो उनको तोड़ लेंगे कि चूँकि सभी को मिलना चाहिए जो हम श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, जल तर्पण कर रहे हैं फूल। और फिर उसको आप दूरबा से, अगर दूरबा है तो दूरबा से आप हिला लेंगे, या आपके पास अगर कुसा है तो कुसा से। और फिर इसको एक आप तांबे के लोटे में ले लेंगे। तांबे के लोटे में लेने के बाद याद रहे आपको पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठना है और जो भी आप तर्पण करेंगे वो दक्षिण दिशा की ओर करेंगे। जो भी आपको तर्पण करना है अपने पितरों के लिए वो दक्षिण दिशा की ओर करेंगे। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आपको बैठना है। और इसमें आप के पास अगर दूरबा है या कुसा है, और कुसा अगर आप अपने हाथ में अगर अंगूठी भी पहने हैं तब भी ये चल जाएगा, लेकिन कुसा, दूरबा या पैंती आपके पास है तो उसको इस तरह से आपको हाथों में पहनना है कि अंगूठे से आपको दबा लेना है, बगल में अंगूठे से दबा लेना है। और फिर इसी को पितृतीर्थ मुद्रा कहते हैं। पितृतीर्थ मुद्रा में आपको हाथ कर लेना है, दूरबा को दबा लेना है, जलांजलि स्वीकार करेंगे। सबसे पहले अपने गोत्र का नाम लेना है, आपका जो भी गोत्र है उनका नाम लेकर के सभी पितरों से प्रार्थना है कि आप हमारी जलांजलि स्वीकार करें। तीन बार जलांजलि देना है पितरों को, तीन तीन बार जलांजलि देना है। जैसे अपने पिता के लिए जलांजलि तीन बार जलांजलि देकर जल अर्पण करना है। और याद रहे जिस समय जल आप देंगे तो दूसरे पात्र में आपको अंगूठे के तरफ आपको डाल देना है। जैसे मैं अपने पिता श्री त्रिलोकीनाथ के लिए तिल जलांजलि अर्पण कर रहा हूँ तो इस तरह से आपको कहना है जलांजलि देते हुए, तस्मे स्वधा नमः, तीन बार आपको जलांजलि देना है। और फिर अपने दादा के लिए जलांजलि अर्पित करते हुए आपको कहना है कि मैं अपने दादा को जलांजलि अर्पित कर रहा हूँ, तीन बार, तस्मै स्वधा नमः।
मैं अपनी माता ज्ञानवती देवी के लिए जलांजलि अर्पित करता हूँ। तस्य स्वधा नमः, मैं अपनी माता ज्ञानवती के लिए जलांजलि अर्पित करता हूँ। तस्य स्वधा नमः, मैं अपनी माता ज्ञानवती देवी के लिए जलांजलि अर्पित करता हूँ। तस्य स्वधा नमः, मैं अपने पिता आद पुरुष पितरों के लिए जलांजलि अर्पित करता हूँ। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, मैं अपने दादा दादी आदि पितरों स्त्री पितरों के लिए जलांजलि अर्पित करता हूँ। और स्त्री पितरों के लिए कहा जाएगा तस्य स्वधा नमः। जिस तिथि को पूर्ण तिथि हुई थी उस तिथि को श्राद्ध करना है। अगर तिथि नहीं मालूम है तो पितृ के लिए अमावस्या के दिन आपको श्राद्ध करना है, और जो स्त्री है उनके लिए नवमी को मातृनवमी कही जाती है, तो उस दिन स्त्री को तर्पण किया जाएगा। और स्त्री के लिए तस्य स्वधा नमः और पुरुष के लिए तस्मै स्वधा नमः कहा जाएगा। तीर्थ मुद्रा में जलांजलि देते हुए नर की यातना भुगत रहे हमारे हमसे जल जो चाहते हैं पितृ उनके लिए आप जलांजलि देंगे। तस्मै स्वधा नमः, जो मेरे बंधु बांधव हैं जो नहीं हैं पिछले जन्म के जो हमारे बंधु बांधव हैं उनके लिए जलांजलि अर्पित करेंगे। तस्मै स्वधा नमः, इसी तरह से आपको कहना देव ऋषि पितृ मानव सहित ब्रह्म पर्यंत सभी के लिए तृप्ति के लिए उनकी तृप्ति के लिए जलांजलि अर्पित करते हैं। तस्मै स्वधा नमः, माता व नाना के कुल के समस्त पितृगणों को मैं जलांजलि अर्पित करता हूँ। तस्मै स्वधा नमः, इस तरह से आप जलांजलि अर्पित करेंगे। सातों द्वीप समस्त लोकों में रहने वाले प्राणियों के तृप्ति के लिए मैं जलांजलि अर्पित करता हूँ। तस्मै स्वधा नमः, हमारे बंधु बांधव हैं जो नहीं हैं पिछले जन्म के जो बंधु बांधव हैं उनके लिए जलांजलि अर्पित करेंगे। तस्मै स्वधा नमः, और इसके बाद फिर जिनको हम नहीं याद कर पा रहे हैं जो हमारे पितृ हैं उनको भी हम अर्पण करेंगे। तस्मै स्वधा नमः, इसके बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गाय को रोटी खिलाना चाहिए, परिवार सहित आपको भोजन करना चाहिए। और हाँ, हो सके तो यम स्रोत पितृ स्रोत का पाठ करना चाहिए, इस दिन किया जाता है। और पूजा स्थल पर काले तिल छोड़ते हुए आप कहेंगे कि हे पितृ देवताओं, ये जलांजलि भोजन सामग्री ग्रहण कीजिए और आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद हमें मिले, आशीर्वाद दीजिए। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण आदि से पितरों को जो भी मिला वो प्रसन्न होते हैं और फिर आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। बहुत प्रसन्नता होती है पितरों को, और उनके आशीर्वाद से हमको भी प्रसन्नता होती है। जय श्रीमन्नारायण।